नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है, आपने ई श्रम कार्ड बनवाया है या पहले से आपके पास बना हुआ ई श्रम कार्ड है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 यह शुरू होने वाला है, तो इसमें किस तरीके से आप इसमें लाभ पा सकते हैं और आपको कितना लाभ मिलेगा और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं, क्योंकि ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के अंतर्गत 36,000 रुपया वार्षिक पैसा जो है गवर्नमेंट ई श्रम कार्ड धारकों को देगी। यह किनको पैसा मिलेगा इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाता है। इसमें जो आपको पेंशन मिलने वाला है 3,000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से इसमें ई श्रम कार्ड धारकों को दिया जाएगा। तो ई श्रम कार्ड जिनके पास है, जिन्होंने पहले से बनवा रखा है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ई श्रम कार्ड पर आपका 2,00,000 का बीमा होता ही है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे पेंशन की भी सुविधा सरकार शुरू करने की सोच रही है। अगर यह शुरू हो जाता है तो जितने भी ई श्रम कार्ड धारी हैं उनको 36,000 रुपया सालाना मिलने वाला है। इसमें आप किस तरीके से इस योजना का लाभ लेंगे और आपको योजना का फ़ायदा कब मिलेगा, यह पूरी जानकारी यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना जो है 60 वर्ष उम्र पूरा होने के बाद 3,000 रुपया प्रति माह सीधे लाभार्थी के खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके लिए आपका जो है आधार कार्ड आपके खाता से लिंक होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आवेदन जो भी करेगा वह असंगठित क्षेत्र का मजदूर होना चाहिए। उसकी जो महीने की कमाई है वह 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए और यहाँ पे इसमें आवेदन करने के लिए जो है उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। इस योजना का लाभ 60 वर्ष पूरा होने के बाद ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है और लाभार्थी के खाते में 3,000 रुपया पेंशन की प्रत्येक महीने मिलने लगता है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें आप देखेंगे मजदूर का, श्रमिक का आधार कार्ड यहाँ पे आपको लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ई श्रम कार्ड आपको इसमें लगाना है, बैंक की पासबुक आपको यहाँ पे लगानी है जो NPCI से लिंक होना चाहिए, चालू मोबाइल नंबर आपका लगेगा, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लगाना है अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। यह योजना ई श्रम कार्ड पेंशन योजना जो है 2024 में यह शुरू होने वाला है और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं या नज़दीकी जनसेवा पर आप जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और पूरी योजना की जानकारी आप अपने नज़दीकी CSC से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ई श्रम कार्ड जिनके पास नहीं है वह अपना ई श्रम कार्ड बनवा लें, क्योंकि इसमें सरकार आपको बीमा के साथ साथ अन्य सुविधाएँ भी इसको जोड़ने वाली है, जिसका फ़ायदा आपको आगे जाके मिलेगा। और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब भी इसमें पैसा आना शुरू होगा या कोई अन्य अपडेट मिलेगा योजना से संबंधित तो आपके लिए मैं नई वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।